उन्होंने कहा था काश सभी मिनिस्टर सही होता है बुखारी जैसे हो तो सारा देश का सिलसिला खत्म हो जाए। ये और रिकॉर्ड है और ये भी यह रिकॉर्ड है कि जब ये गवर्नर रूल लगा 18 मई 2018 को, उसके बाद जुलाई अगस्त में मुंह चला, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ मुंह चला की कॉलिशन गवर्नमेंट कंसिटी का पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस आया शिकायत से बात कर रहा हूँ और वहां से जम्मू कश्मीर के लोगों को आज ये पैगाम क्या है कि हिरासत और वापस के दरमियान अगर कोई पुल है वो सही बनता बुधरी साहब है, वो सही बनता बुधरी साहब का प्रतिष्ठा बने तो जो उनके सभी में खर्चा करता था वो एक लाख रुपए अपने घर से रहते थे उन्हें नाम से हटाया गया है। हमारी रियासत को जो डाउनग्रेड किया गया है इसकी खुशूसियत का रोड मैप क्या है अपनी पार्टी का, इसी सिलसिले में आज अल्ताफ़ साहब एक बात मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ जलसों में बहुत भीड़ है, यहाँ पे कोरोना तो नहीं है लेकिन स्कूलों के लिए कोरोना क्यों है सर? ये बदकिस्मती है, मुझे लगता है ये सरकार को सोचना चाहिए क्या ये किसी मेडिकल बेसिस पे लोगों को बंद कर रही है या कोई और साजिश है कि यहाँ बच्चे अनपढ़ ही रहे। तो सर पहाड़ियों का जो है मसला जो है वो बहुत गरमाया हुआ, तो आपकी पार्टी का जो है वो क्या मौका है? हम सब जम्मू कश्मीर के वासी हैं, अगर कुछ मिलता है लेना चाहिए सर। ये बताइए इसमें देखिए कहते हैं ना अगर कुछ देते हैं तो लेना चाहिए सर। जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद क्या लगता है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है? कि मैं तो बड़ा साहब को आदमी हूँ, मैं तो बिल्कुल क्लियरली कहता हूँ कहाँ डेवलपमेंट, कौन सी डेवलपमेंट? आप लोग मीडिया वाले हैं, आप बताओ, आपने देखी होगी, अगर अक्षपन कहीं की है हमें भी दिखाओ। जैसा कि सर आपने अभी ये एक चीज वादा किया है लोगों से कि अगर आपकी पार्टी बनती है तो पानी और बिजली फ्री देंगे, तो क्या लगे? देखिए हम तो ये वादा ही नहीं करते हैं, हम ये कमिटमेंट है, दिस विल बी अ कमिटमेंट, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ आवर एजेंडा। जैसे आपको मालूम है जिस वक्त पार्टी का गठन हुआ हमने 3 चीजें कोर एजेंडा में रखी थी, वो ये था कि हम जब तक 370 और 35 वापस आएगा तब तक हम एक सेफ्टी वैल्यू लाएंगे। हमने लाया नौकरियां सब, बच्चों के लिए रिजर्व करवाई, हमने जमीनों का तहफुज किया, एक वोट लोगों से नहीं लिया, कोई वोट तो नहीं लिया ना, हमने स्टेटहुड का कहा है, इसी तरह हम पानी बिजली हेल्थ सेक्टर एजुकेशन। तो आप ये कहते हैं अभी शर्म की बात है, अभी तो 70% जो हमारे गर्ल्स स्कूल हैं उनमें टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है और ये लोग कहते हैं हमने 70 साल में बहुत कुछ किया। तो दिन ब दिन दहशतगर्दी बढ़ रही है, इसके बारे में दहशतगर्दी बढ़ने का सीधा सा ताल्लुक इससे है जब डेमोक्रेटिक राइट्स लोगों के नहीं हो तो लोग किसके पास जाएंगे? लोग एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का फायदा ये होता है कि तालमेल बनता है सरकार और लोगों में, वहाँ से लोगों को जो छोटी बड़ी मुश्किल होती है उनका अजाला होता है। लेकिन अफसरशाही है, इनको पता है हमारा टेन्योर 2 साल के बाद ट्रांसफर होना है, ट्रांसफर होना है, इनको क्या जरूरत है? दो पार्टी लगातार कहती है कि पाकिस्तान से बात करो दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। हम मैं तो मेरा मानना है अपने नौजवानों से बात करो और बाकी वो भारत सरकार का काम है, जिसके साथ उनको लगता है उनको अगर लगता है पाकिस्तान से बात करनी है ये तो हमारा फॉरन अफेयर का मतलब इंडिया का काम है, किससे भी बात करनी है वो तो उनको मालूम है। हम तो कहेंगे हमारे बच्चों से बात करो, इनके मसले देखो, मसाइल देखो, इनको रोज़गार दे दो। जो हमारे रोज़ आप देखते हैं प्रदर्शन हो रहे हैं जम्मू में, रोज़ प्रदर्शन हो रहे हैं घंटे में हम लोग करें दरबार मुंह बंद करा क्यों किया? जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान एक ब्रिज था, इमोशनल अटैचमेंट थी, क्या फायदा? कहते जी 200 करोड़ रुपए बचा, अरे ये बता डीएडीए कितना देते हो इन अफसरों को, आप क्लर्कों को मूव करने के लिए, क्योंकि फाइलें आधी वहाँ आधी यहाँ। जो महंगाई और बेरोजगारी जो है बहुत बड़ा मसला है, जितना कम इस पे बोले मुझे लगता है उतना ही अच्छा है। लेकिन बात यह है कि आप देखिए डीजल पेट्रोल कीमतें कहाँ पहुँची हैं, गैस सिलेंडर की कीमत देखिए कहाँ पहुँची है, और ये टस से मस नहीं हो रहे हैं, रोज नया नया लारा दे रहे हैं, अब आज नया लारा है, इधर नई रिजर्वेशन, ये तो लगता है भाजपा खाली लारे लोगों को दे रही है, करना इन्होंने कुछ नहीं है 3 साल में, पता नहीं यहाँ लोगों को कह रहे हैं देखो डेवलपमेंट और डेवलपमेंट है कहाँ? या तो हमारी आंखों में रोशनी अब खत्म हो गई है
जम्मू कश्मीर के लोगों को रो रो के जो 70 साल से हम रो ही रहे हैं। वरना अगर है डेवलपमेंट हमें भी नजर आनी चाहिए, आपको तो नजर आनी है, आपकी तो यू आर द थर्ड आई, आपको तो ज्यादा नजर आनी चाहिए। सर आपको बी टीम क्यों कहा जाता है बीजेपी की? देखिए जब भी कोई मजबूत प्लेयर फील्ड में आता है विरोधी उसको कुछ ना कुछ पुकारते, कभी हमें ए टीम कहा जाएगा, कभी बी टीम कहा जाएगा, कभी हमें जो कहेंगे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें पता है हम लोगों के दिल की आवाज़ हैं, वही बोलते हैं जो लोग चाहते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इनको दिखाएंगे कि यहाँ अगर कल किसी पार्टी का है वो अपनी पार्टी का है। क्यों भाजपा तबाही आप देखते हैं, 3 साल में हमने देखा क्या किया इन्होंने रियासत का। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने 40 साल उनकी हुकूमत देखी, कांग्रेस 20 साल उनकी हुकूमत, पीडीपी की भी देखी, आप 4 लीडर हैं इन सबको हमने देखा, सब फेल। 2008 में कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू और कश्मीरियों का क्या हाल करवाया आपस में। 2010 में हमने उमर साहब की हुकूमत में देखा कितने लोग मर गए। 2016 में महबूबा जी, क्या आप किसे पिटे लोगों को ही लाना, एक आम आदमी को लाओ ना, नया चेहरा लाओ ना सामने, नई पार्टी लाओ ना सामने। सर जिस तरह से हर पार्टी का दौरा जो है वो हो रहा है, सियासी दौरे हो रहे हैं, तो क्या मान के चलें कि कब तक जो है वो इलेक्शन की उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए ये तारीख तो भारत सरकार ही कह सकती है, लेकिन फिलहाल इलेक्शन दौरे नहीं है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ये इलेक्शन दौरे नहीं, फिलहाल तो ये है कि लोगों से राय तो जाननी है ना, हर खिते में जाके लोगों को अपना तारुफ तो देना है ना। वो लोग तो अपनी जो 2 साल वो लोग गायब रहे वो अपना फीडबैक ले रहे हैं लोगों से, क्या लोग हमें अभी भी जलसों में आएंगे या नहीं आएंगे। हमें तो तारुफ करने के लिए आना है, हम तो नहीं जमात है। सर आर्टिकल 370 को लेकर आप क्या? आर्टिकल 370 मैंने तो तकरीर में भी बोला सुप्रीम कोर्ट में है और हम आखिरी दिन तक लड़ेंगे। हम वाहिद जमात है जिन्होंने सेफ्टी वैल्यू फिर भी लाया, इन्होंने तो वो भी नहीं किया किसी ने। हमने तो कम से कम जब तक वो रिस्टोर हो जाएगा तब तक तो हमने सेफ्टी वैल्यू लाया इसमें नौकरियों में भी और ज़मीनों में भी। बाकी सुप्रीम कोर्ट अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट के जजेस वही डिसीजन दे दे जो हमारे लोग चाहते हैं। बहुत हो गया, शुक्रिया।